गाइस, यदि आपने SBI म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और आप इस पे इन्वेस्टर एप्लीकेशन का पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको फॉरगेट कर सकते हैं। इसके लिए आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है, वही आपकी यूजर आईडी रहेगी। यदि आपको ईमेल आईडी नहीं मालूम तो आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल के और आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके उसको फॉरगेट कर सकते हैं। पहले अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे और इसके बाद नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी फोलिए हैं वो यहाँ पर फोलियो नंबर दिखाई देंगे, उसमें कौन सी ईमेल आईडी जो रजिस्टर है वो ईमेल आईडी आपकी यूजर आईडी रहेगी और आप उनमें से कोई भी फोलियो नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और उस पर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको यूजर आईडी मतलब ईमेल आईडी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद आप अपना ईमेल आईडी या यूजर आईडी डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अब पासवर्ड डालना होगा। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पर पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद के लिए आपको यहाँ पर अपना यूजर आईडी डालना होगा, आपको ईमेल आईडी, और उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड बनाने के लिए जाएगा, आप पासवर्ड बनाना होगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड आपको इस तरीके से बनाना है, इसमें आपको पहला अक्षर कोई भी एक अक्षर उसको आप कैपिटल रखना है और उसके बाद एक स्मॉल लेटर में रखना है कम से कम, और एक नंबर और एक सिंबल रखना है। तो इस तरीके से स्क्रीन पर दिखाया गया पासवर्ड की तरह आप अपना पासवर्ड बना लेंगे। मैंने अपना पासवर्ड बना लिया है। नीचे कन्फर्म पासवर्ड में वो उस तरीके से पासवर्ड डालना है और उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड सक्सेसफुली रिसेट हो जाएगा, बन जाएगा पासवर्ड। इसके बाद इसको आसानी से आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ और उसके बाद पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डाल लेंगे, अभी जो आपने पासवर्ड बनाया है मैंने पासवर्ड डाल दिया है, और लॉगिन करेंगे तो आईडी आसानी से लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद वेरीफाई पैन पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। इसमें आपको एम पिन सेट करना होगा। पहले एम पिन सेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, सेट एम पिन पर मैन क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पर आप कोई भी 6 अंक का एक पासवर्ड बना लेंगे जो आपको हमेशा याद रख सकते हैं आप, और आपको यह बार बार यूजर आईडी पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बनाने के बाद मैंने अपना 6 अंक का एम पिन बना लिया और कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके पास फिंगरप्रिंट से लॉगिन करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर इनेबल बायोमेट्रिक पर क्लिक कर देंगे तो आप फिंगरप्रिंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं अभी मे बी लेटर पर क्लिक कर दूंगा, मैं बाद में फिंगरप्रिंट लॉगिन वाला ऑप्शन चालू करूंगा बाद में। इसके बाद आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। आपके अकाउंट में कितना पैसा है, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट हो चुका है वो आप यहाँ पर देख लेंगे और उसकी स्थिति क्या है। गाइस, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।